नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो आने वाले CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, वो भी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, तो आज की ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कुछ MCQ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो के MCQ चेकआउट नहीं किए हैं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों, उसके आगे के जो है हम MCQ पढ़ेंगे, इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए MCQ क्वेश्चन की जो है मैं आपको वीडियो वहाँ पर लाता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपको PDF भी इसका प्रोवाइड कराऊँगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या फिर और कोई एग्ज़ाम हो, तो आप जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको तमाम प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जिनमें कि आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है अन अकेडमी। इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कीजिए। ओपन करना अपने मोबाइल फ़ोन में, गेट स्टार्टर पर क्लिक करना, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें तरह तरह के कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि UPSC हो गया हो, IIT हो गया हो, इसी प्रकार से बहुत सारे कोर्सेस आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट एग्जाम में भी देख सकते हैं, SSC, रेलवे वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम के यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिनको कि आप घर बैठे अपने मोबाइल पर सब्सक्रिप्शन लेकर देख सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% का किसी भी सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और मेरा रेफरल कोड है दोस्तों, Kaushal J10। इस प्रकार से आपको रेफरल कोड को यूज़ करना है और डायरेक्टली आपको सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है। सबसे पहले दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, द लॉजिक गेट विच हैज़ अ हाई आउटपुट व्हेन इट्स इनपुट्स आर डिफरेंट इज़। तो हमसे पूछा गया है, ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट हाई होता है जब इसके इनपुट अलग अलग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है लॉजिक गेट्स के बारे में, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अगर आप नहीं जानते लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्या इनके इनपुट्स होते हैं, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा XOR गेट, क्योंकि हमारे लॉजिक गेट्स फैमिली में दोस्तों XOR गेट ही ऐसा है जिसका जब भी इसके इनपुट अलग अलग होते हैं तभी ये आउटपुट हाई देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल है, ये XOR गेट है। यहाँ पर इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है A XOR B। इसके अलावा इनपुट देख सकते हैं, जब इसके इनपुट सेम है, देखिए AB 00, और यहाँ पर भी लास्ट में देख सकते हैं 11। देखिए, जब सेम सेम इनपुट दिए गए हैं दोनों, तो आउटपुट में हमें 0 मिला है, मीन्स आउटपुट हमें लो मिला है। लेकिन आप देख सकते हैं, जब एक को 0, एक को 1, या एक को 1 या एक को 0 कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट हाई मिल रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, XOR गेट, जब हमारे अलग अलग इनपुट्स होते हैं तभी ये गेट हमें हाई आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिंबल इज यूज इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दोस्तों, हमसे पूछा गया है, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का सिंबल होता है उसमें से किस टाइप का, मिस कौन सी आकार उसका यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेशन एम्पलीफायर को हम OP MPP बोलते हैं, जो कि मल्टी स्टेट डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर होता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप नहीं जानते और आपको देखना है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की भी, तो उसमें आप ज़रूर से इस OP MPP के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़िएगा। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, जितने भी मैं यहाँ पर MCQ बता रहा हूँ, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो आप उनके बारे में ज़रूर से जानिए, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तो आप इनको भूल जाएंगे। तो इनको अच्छे से समझिए। जिस जिस वीडियो या जिस जिस क्वेश्चन की मैं वीडियो बता रहा हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली जाके उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल, क्योंकि जो हमारा OP MPP होता है वो देख सकते हैं इस प्रकार से उसका सिंबल होता है। देख सकते हैं आप, ये त्रिकोण है, मतलब त्रिभुजाकार है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वगैरह है। इसके बाद दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, हमसे पूछा गया है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या है। तो ये हम दोस्तों सेंस से ही पता चल सकते हैं, जो डिजिटल चीज़ों को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करे। अब दोस्तों एनालॉग फॉर्म कोई भी फॉर्म हो सकती है, चाहे वो लाइट हो, आवाज़ हो, या कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल इसका जो आंसर सही होगा वो होगा डी, इट टेक्स द डिजिटल डेटा एंड कन्वर्ट्स इस टू यूजफुल फॉर्म, मीन्स ये इनपुट में डेटा लेकर उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हाउ मेनी एंट्रीज विल बी इन द ट्रुथ टेबल ऑफ अ फोर इनपुट नैंड गेट। अब हमसे पूछा गया है जो नैंड गेट होता है उसमें कितनी एंट्रीज होंगी, कि अगर चार इनपुट हैं अगर उसके, तो अब एंट्रीज का मतलब दोस्तों कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मीन्स उसको हम कितनी प्रकार से इनपुट दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेसिक सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। अब n में हमारे यहाँ पर 4 इनपुट वाला है, तो 2 की पावर n को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 को, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो टोटल 16 एंट्रीज आएंगी 4 इनपुट NAND गेट में। आप इस टेबल में काउंट भी कर सकते हैं, ये 4 इनपुट NAND गेट की ट्रुथ टेबल है, ये इसकी IC है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमसे पूछा गया हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू स्टोर 1 BCD डिजिट। देखिए दोस्तों BCD डिजिट, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगर दोस्तों आप 7 सेगमेंट डिस्प्ले जानते हैं, तो उसमें BCD डिजिट यूज़ किया जाता है उसके इनपुट देने के लिए, जो हमारी डिकोडर IT होती है उसके लिए। तो जनरली बाइनरी हमारे 2 अंकों का होता है, 0 या 1, लेकिन जो BCD होता है उसमें 4 अंक यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 0 लिखा हुआ है, अगर 0 भी लिखना है जैसे बाइनरी में 0 है, तो BCD में वो 0 0 0 4 टाइम 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइनरी कोड लिखा हुआ है, ये 1 का देख सकते हैं 1 लिखना है तो 0 0 0 1, ये BCD में ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, मीन्स 4, क्योंकि एक कोई भी BCD डिजिट हो उसमें 4 बिट्स होती हैं। विच ऑफ दिस सेट्स ऑफ लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा सेट है गेट्स का, मतलब लॉजिक गेट्स का सेट है जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल गेट्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल गेट्स का मतलब होता है वे गेट्स जिनसे हम कोई भी गेट्स बना सकते हैं, मीन जिनसे हर प्रकार के गेट्स बना लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे 2 ही गेट्स होते हैं, एक होता है नॉर, एक होता है नैंड। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लिखा हो बेसिक लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स और अदर लॉजिक गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, मीन्स नॉर और नैंड लॉजिक गेट्स। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये पूछा गया है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011001 इज, हमसे इस बाइनरी संख्या का दोस्तों पूछा गया है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो दोस्तों वंस कॉम्प्लीमेंट बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट कुछ नहीं करना होता है, जो संख्या दी गई है हमें उसमें जहाँ 1 है उधर 0 करना होता है, और जहाँ 0 है उधर 1 करना होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू 0, इसका अगर 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसको हम पलट देंगे, देखो 1, आप इस संख्या को देख सकते हैं 1010 है, तो उधर 1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1, तो 0101, तो इसको जस्ट हम पलट देंगे। तो वही इस काम इसमें भी करेंगे हम, जो भी हमारी संख्या दी गई है इसको जस्ट हम पलट देंगे, तो वो हो जाएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका सी वाला आंसर दोस्तों सही हो जाएगा, देख सकते हैं आप 0100 11 और 0, मैं जहाँ 0 था वहाँ 1 कर दिया और जहाँ 1 था वहाँ 0 कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1011011 इज, देखिए दोस्तों टूज कॉम्प्लीमेंट भी बहुत सरल होता है। आपको करना क्या है, जो भी संख्या के टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए दी गई हो उसका पहले आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर एक बाइनरी संख्या है, इसका उन्होंने पहले क्या किया वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब उसमें कुछ नहीं, उसमें आप एक को ऐड कर दीजिए, किसको, एक को आपको ऐड कर देना। जैसे आप एक बाइनरी एडिशन करेंगे तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका जब आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और उसमें जब एक बाइनरी एडिशन करके जोड़ देंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। ये आप दोस्तों कैलकुलेशन जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ डिजिटल सर्किट दैट कैन स्टोर ओनली 1 बिट इज आ,
अब हमसे पूछा गया है कौन सा डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स का डिजिटल सर्किट है जो कि एक बिट को ही स्टोर कर पाता है या फिर केवल एक ही बिट को स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है काउंटर्स के बारे में, रजिस्टर्स के बारे में, फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप हम सभी लोगों ने पढ़े हुए हैं। SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, इसके अलावा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसा सर्किट होता है जो कि एक टाइम में एक ही बिट को यहाँ पर स्टोर कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप केवल एक ही बिट को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो रजिस्टर होता है जो कि हमारे जनरली कैश मेमोरी बनाने के लिए काम किया जाता है या फिर रैम बनाने के लिए जो स्टैटिक रैम होती है उसके लिए हम काम में लेते हैं, तो उधर भी दोस्तों जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में भी दोस्तों फ्लिप फ्लॉप होता है। रजिस्टर जो बनता है वो फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप से बनता है। मान लो कि 8 बिट का कोई रजिस्टर है तो वो 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो कि एक टाइम पर एक ही बिट को स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन डिवाइस यूज्ड इन स्पीड कंट्रोल ऑफ अ DC मोटर। सिंपली पूछा गया है कि DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा DSCR। SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए दोस्तों DC मोटर के बारे में अगर आप नहीं जानते कैसे क्या इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं तो कैसे क्या सारा कुछ होता है, तो वो मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आप में से कितने लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ ही MCQ थे इस वीडियो में, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं और भी MCQ आपके लिए यहाँ पर लेकर आऊँगा। इसी प्रकार से आप में से जितने भी लोग CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एकदम लगे रहिए भरपूर एनर्जी के साथ, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। MCQ के साथ साथ भी दोस्तों आप सभी लोग किसी वेबसाइट पर चेकआउट कर लिया करें कुछ MCQ वगैरह। ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं चैनल पर MCQ से रिलेटेड जो कि पिछले ईयर मैंने बनाई हुई थी, तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो आप नीचे आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।